हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा तिवारी स्टडी मोटिवेशन। आज हम लोग अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो चैप्टर आपका है बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन। ओके, हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर्स को अच्छे से कवर किया, रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाला चैप्टर अच्छे से कवर किया। एंड आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो क्या है आपका बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन। ओके, अब देखो ये चैप्टर्स जो कि है इसमें, मतलब चैप्टर्स का जो आपका टर्म है बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन, इस चैप्टर्स में मेनली आपको क्या पढ़ना है कि जो आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी भी सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो सर्कुलेशन हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो होता क्या है, व्हाट इज सर्कुलेशन, सबसे पहली बात तो यही आती है ना कि सर्कुलेशन होता क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स में आपके बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स जो हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम्स में, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम्स में। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले बात तो अगर हम लोग बात करें कि सर्कुलेशन होता क्या है, व्हाट इज सर्कुलेशन, सर्कुलेशन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन बॉडी, दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज सर्कुलेशन। जो ट्रांसपोर्टेशन है वेरियस सब्सटेंस आपके बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो भी आप डाइजेशन चैप्टर में पढ़ो ना, जो हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, आयंस, तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस हैं जो कि हम लोगों के बॉडी के अंदर पाया जाता है, इन बॉडी मतलब आपके शरीर के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो ट्रांसपोर्ट करने की प्रोसेस होती है उसी को ही बोलते हैं क्या, सर्कुलेशन। ओके, तो वही लिखा गया है बच्चों कि द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल, वेरियस मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, वन प्लेस से एन अदर प्लेस में इन योर बॉडी, आपके बॉडी के अंदर, सो इट इज़ आल्सो नोन एज सर्कुलेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक, तो सर्कुलेशन बेसिकली क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन योर बॉडी एंड दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाई द हर्ट्स एंड ब्लड वेसल्स, सो इंटायर दिस प्रोसेसेस आर इंक्लूडेड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम्स। ओके, तो कहने का मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, सर्कुलेशन। ओके, तो ये टर्म आपको क्लियर होगा कि सर्कुलेशन क्या होता है, व्हाट इज सर्कुलेशन। ओके, एंड नेक्स्ट आता है कि जो आपके सर्कुलेशन की प्रोसेस हो रही है, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंस इन वन प्लेस टू अनदर प्लेस हो रहा है, तो इसमें कौन कौन से आपके बॉडी के पार्ट्स हैं, ये कौन कौन से ऐसे आपके कंपोनेंट्स हैं विच आर प्रेजेंट इन योर बॉडी कि इसमें जो हेल्प करते हैं आपके सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, तो वो है बच्चों मेनली देखो कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स। अगर हम कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स की बात करें तो इसमें मेनली कौन कौन से आपके बॉडी पार्ट्स इंक्लूड है, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ओके, तो कहने का मतलब जो सर्कुलेशन प्रोसेस है, चीज़ों को सर्कुलेट करने की जो प्रोसेस है, इसमें मेनली आपके हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, यही तीन कंपोनेंट ही हेल्प करते हैं। ठीक है, यही तीन कंपोनेंट की वजह से ही आपका सर्कुलेशन जो है वो कंप्लीट होता है इन योर बॉडी। तो होता कैसे है, जो हार्ट है, अगर हम लोग हार्ट की बात करें तो हम जब से ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट हमने किया, आपको बार बार बताया गया है कि जो हार्ट होता है, हार्ट के मेनली चार चैम्बर होते हैं। अगर बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करें तो उसमें मेनली चार चैम्बर होते हैं। क्या हम लोगों ने बात किया था, चलो बना लेते हैं यहाँ पे छोटा सा, हम लोगों ने हार्ट की बात किया था, वन टू, एक ये एंड एक ये, ऐसे ही हार्ट का चैम्बर बताया था ना, ये आपका हार्ट है। आई होप आपको दिख रहा है क्लियर, एक मिनट, यस, ये आपका हार्ट है। हमने आपको बताया था बेटा जो हार्ट है, हार्ट में मेनली फोर चैम्बर होते हैं। फोर चैम्बर में जो अपर वाला चैम्बर होता है उसको बोलते हैं एट्रिया, जो कि ये वाला हम लोगों का, ये वाला जो इस मतलब लेफ्ट हार्ट का, लेफ्ट हैंड का जो हार्ट वाला पार्ट है तो उसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रिया। ओके, तो यहाँ हम लोग क्या बोल देंगे, ये आपका लेफ्ट
एट्रिया है एंड ये आपका क्या है, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हार्ट के नीचे वाले चैम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वाले रीजन में है तो उसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। चलो लिख लेते हैं, ये आपका क्या हो गया बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो इसी प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आर एट्रिया, हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक, तो हार्ट के बेसिकली चार चैम्बर होते हैं, इन्हीं चारों चैम्बर्स में आपके ब्लड्स आके स्टोर होते हैं एंड देन जो आपका हार्ट होता है इसको पुश करता है, पुश करने का मतलब फोर्स करता है, तब ये ब्लड्स आपके जो है ब्लड वेसल्स में फ्लो होती हैं एंड ब्लड वेसल्स में फ्लो होने के बाद ये आपके अदर सेल्स एंड टिश्यूज को ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, जो हार्ट है आपका, ये हार्ट है, हार्ट के फोर चैम्बर है और आपको अच्छे से पता है, जो बच्चे हमारे रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं उनको अच्छे से पता है कि हार्ट के कौन से चैम्बर्स में आपका प्योर ब्लड होता है, कौन से चैम्बर में इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड डैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डैट मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड वो कहाँ पे रहता है आपके, लेफ्ट एट्रिया में। चलो उसको हम लोग रेड पेन से लिख लेते हैं, O2 यहाँ पे लिख दें, O2। ठीक, तो लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट एट्रिया उसको पहले पुश करेगा, लेफ्ट एट्रिया पुश करता है तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में इधर ब्लड वेसल्स फैली होती है, ब्लड वेसल्स के थ्रू वो कैपिलरी के थ्रू आपके सेल्स एंड टिश्यूज को क्या कर दी जाती हैं, ट्रांसफर कर दी जाती हैं। तो आपका जो हार्ट है वो बेसिकली किसकी तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो लाइक ए मोटर, पंपिंग की तरह, लाइक ए मोटर की तरह फंक्शन परफॉर्म करता है किसी भी चीज़ को सर्कुलेट करने में। तो ये क्या करती है, बेसिकली पंप करती है, फोर्स करती है, पंपिंग का काम करती है। तो इसको हमने क्या लिख दिया, मोटर की तरह। हार्ट क्या है आपका, एक लाइक ए मोटर की तरह वर्क करता है इन योर बॉडी। ओके, एंड नेक्स्ट आपका आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है, ब्लड वेसल्स आपको बार बार बताया जाता है कि ब्लड जो है जिस ट्यूब में से होके आपके शरीर के अंदर बहुत सारी वेसल्स प्रेजेंट है। तो वेसल्स आपका लाइक के, देखो यहाँ पे लिखा ट्यूब्स, लाइक ए ट्यूब्स, जहाँ से ब्लड्स आपके क्या होती हैं, जाती हैं। ब्लड्स जहाँ जिस रास्ते से मूव करती है वो एक ट्यूब की तरह होती है, लाइक रोड की तरह होती है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। और आर यू नो ब्लड वेसल्स जो होता है वो मेनली तीन होते हैं, क्या आप जानते हो, ब्लड वेसल्स जो होता है वो कितने होते हैं, तीन होते हैं, जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी अच्छे से बताया हुआ है, कौन कौन से आपके, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। ठीक, तो ये ब्लड वेसल्स जो है वो किसकी तरह एक्ट करेगी, ट्यूब्स या रोड की तरह। ओके, एंड देन ब्लड, ब्लड क्या है, ब्लड आपका ऐसा कंपोनेंट है जो न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ बाइंड करेगा, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड करेगा। तो किसी भी सब्सटेंस को अपने साथ बाइंड करके उसको जो है सेल्स एंड टिश्यूज तक ट्रांसफर करके फिर से फ्री हो जाना एंड फिर से बाइंड करना। तो बेसिकली कहने का मतलब जो है, मेन जो है ट्रांसपोर्ट चीज़ों को कौन करता है, तो वो आपका है ब्लड। ठीक है, तो ब्लड, तो ये मेनली आपका हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, यही तीन मेन कंपोनेंट हैं जो कि सर्कुलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं इन योर बॉडी। आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो ये तो बेसिकली आपका हार्ट का स्ट्रक्चर था। और राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल में आपके कैसे ब्लड्स होते हैं, CO2 रिच ब्लड, दैट मीन्स इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है ना, तो ये अब तो बेसिकली हार्ट का स्ट्रक्चर था। तो हम लोगों ने क्या क्या बात किया बेटा, कि जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन में मेनली आपके तीन कंपोनेंट्स मिल करके आपके सर्कुलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। वो कौन कौन से आपके तीन कंपोनेंट हैं, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है एंड ब्लड है। आई होप ये तीनों टर्म आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखो हार्ट लाइक ए मोटर की तरह एक्ट करता है इन योर बॉडी, एंड ब्लड वेसल्स ट्यूब या रोड की तरह है, ये पैसेज प्रोवाइड करता है, एंड ब्लड जो है, ब्लड आपके उस ट्यूब्स में से, पैसेज में से जो कि बेहतर, जो कि लिक्विड पार्ट होता है, यही किसी भी आपके न्यूट्रिएंट से, किसी भी आयन से, किसी भी गैस से बाइंड होता है एंड अदर सेल्स एंड टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे मेनली ब्लड के बारे में, क्यों, क्योंकि जो बॉडी फ्लूड्स है, जो आपके शरीर का फ्लूड्स है, वो ब्लड ही है। ठीक, हमने देखो बॉडी फ्लूड्स और सर्कुलेशन हम लोगों का चैप्टर है, तो सर्कुलेशन क्या होता है ये तो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब नेक्स्ट हम लोगों का क्या टर्म आता है, यही आता है ना कि बॉडी फ्लूड। तो बॉडी फ्लूड जो है, मानव शरीर का जो फ्लूड्स है, फ्लूड्स पार्ट क्या है, वो आपका है क्या, ब्लड।
फ्लूड का मतलब क्या होता है, तरल पदार्थ जो होता है, ठीक है, लिक्विड लाइक सब्सटेंस जो है, तो वो क्या है आपके बॉडी में, ब्लड। तो अब हम लोग बेसिकली ब्लड का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर इन शॉर्ट फॉर्म में करने वाले हैं, जो कि अभी बेसिक आपको जितना पता होना चाहिए तो वो आज की क्लास में अभी हम लोग देखेंगे, एंड देन आई विल प्रोसीड अबाउट द डिटेल इन ब्लड, ठीक, डिटेल हम लोग ब्लड में डिस्कस करेंगे आगे सेशन जो भी हम लोग का होगा। तो अभी हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर कर लेते हैं ब्लड का, क्योंकि ब्लड क्या है, हम लोग का बॉडी फ्लूड है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो ब्लड्स जो है आपके, ब्लड्स का मेनली, ब्लड जो आपका बनता है उसमें मेनली दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट होता है, 100 में 55% पार्ट जो होता है ब्लड का वो आपका प्लाज्मा ही होता है। प्लाज्मा डैट मीन्स लिक्विड लाइक सब्सटेंस, तरल पदार्थ, प्लाज्मा जो कि वाटर्स वगैरह जो मिले होते हैं, ठीक है ना। एंड सेल्स कंपोनेंट जिसको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं 45% होता है। तो आपका ब्लड का जो कंपोजिशन है, जो आपका ब्लड्स है, ब्लड्स का अगर कंपोजिशन की बात करें तो 100% पार्ट में से बच्चा आपका 55% पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा होता है जो कि लिक्विड पार्ट है, एंड सेल कंपोनेंट या फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि 45% पार्ट होता है, ठीक है। तो पहला तो आपका कंपोजिशन ऑफ ब्लड ये याद रखना है कि 55% पार्ट जो है वो क्या है, प्लाज्मा, एंड जो 45% पार्ट है बच्चा वो क्या है, सेल्स, सेल्स आपके क्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। अब प्लाज्मा में भी आपके देखो क्या क्या कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट में, 55% वाले पार्ट में कौन कौन से सब्सटेंस इंक्लूड होते हैं बेटा, तो उसमें वाटर होता है 92% कहने का मतलब 90 से 92% पार्ट जो है वो वाटर होता है प्लाज्मा का, ठीक। एंड प्रोटीन्स, उसमें 90 से 92% पार्ट तो आपका क्या हो गया, प्लाज्मा का वाटर हो गया, और बाकी जो 6 से 8% पार्ट बचता है तो उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा वाले पार्ट में आपका अगर हम लोग बात करें कंपोजिशन के, तो 90 से 92% पार्ट तो वाटर, एंड जो 6 से 8% पार्ट है वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक। अगर ये हम लोग सेल्स कंपोनेंट की बात करें, सेल कंपोनेंट जो कि आपका सेकेंड पार्ट है कंपोजिशन ऑफ ब्लड का, जो कि 45% पार्ट होता है, तो इसमें मेनली 3 सेल्स होते हैं। आपको अच्छे से पता है कि जो रेड ब्लड, सॉरी, जो आपकी सेल्स होती है वो मेनली 3 होती है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इतना तो आपको पता है ना ब्लड का, और जो बेसिकली कंपोजिशन है सबको पता होता है कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो ये बेसिकली आपका यही लिखा हुआ है कि जो सेल कंपोनेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट है, ये 45% पार्ट होता है आपके ब्लड का। इसमें जो होता है ल्यूकोसाइट जो कि WBC है, पूछा जाता है कि WBC का अनदर नाम और क्या है, तो उसे बोलते हैं क्या बच्चों, ल्यूकोसाइट। ओके, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स एंड इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट को हम लोग RBC कहते हैं। RBC का एक अदर नेम और क्या है, इरिथ्रोसाइट, से इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको याद रखना है, ठीक। तो ये तो आपका सेल कंपोनेंट का पार्ट था, जो कि 3 पार्ट हैं इसके, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स एंड इरिथ्रोसाइट। अब देखो ल्यूकोसाइट के भी मेनली 2 पार्ट होते हैं। ल्यूकोसाइट को भी उनके मतलब कि फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, मतलब किसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट है, किसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं है, तो इनके ग्रेनुल्स के अकॉर्डिंग इनको मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट। तो जो WBC है आपका बेसिकली डिवाइड है किसमें, 2 पार्ट में, एक तो ग्रैनुलोसाइट और एक ए ग्रैनुलोसाइट। ओके, तो जो ग्रैनुलोसाइट है, ग्रैनुलोसाइट में आपके देखो कौन कौन से हैं, न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, इसनोफिल्स है। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इसनोफिल्स ये ग्रैनुलोसाइट का पार्ट है। एंड ए ग्रैनुलोसाइट में क्या है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। इन सब के बारे में हम लोग एक एक पॉइंट अच्छे से डिटेल कवर करेंगे, लेकिन अभी बेसिक इतना स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए कि आपका जो सेल कंपोनेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट है, 45% पार्ट होता है ब्लड का, इसके 3 पार्ट है, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स एंड इरिथ्रोसाइट, ठीक। ल्यूकोसाइट को WBC, इरिथ्रोसाइट को RBC भी कहते हैं। एंड ल्यूकोसाइट को ग्रेनुल्स की प्रेजेंस, किसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट है, किसमें ग्रेनुल्स नहीं प्रेजेंट है, तो ग्रेनुल्स के बेस पे इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन कौन से, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट है, ग्रेनुल्स एक सॉलिड पार्ट होता है जो कि मतलब सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, तो उसे क्यों बोलते हैं बेसिकली ग्रेनुल्स।
तो जिस सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेनुलस प्रेजेंट है तो उसे बोल देंगे ग्रेनुलोसाइट, और जिस सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेनुलस अब्सेंट है, वो प्रेजेंट नहीं है, तो उसे बोल देते हैं एग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट में मेनली तीन आपके ल्यूकोसाइट है, कौन कौन से, न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स एंड इसिनोफिल्स, एंड एग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ओके, अब हम लोग इधर आ जाते हैं, जो प्लाज्मा वाला पार्ट है आपके ब्लड का। हमने क्या बोला कि जो प्लाज्मा वाला पार्ट है ब्लड का, ये बेसिकली आपका 55% पार्ट होता है ब्लड का। इसमें वाटर्स होते हैं एंड प्रोटीन्स होता है। वाटर की बात करें तो 90-92% पार्ट तो वाटर होता है, एंड 6-8% पार्ट जो होता है वो प्रोटीन्स होते हैं। और प्रोटीन्स में भी आपके कौन कौन से मेनली प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजिन। तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजिन, ये सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं आपके प्लाज्मा पार्ट के ब्लड के। ओके, एंड अगर हम लोग एल्ब्यूमिन की बात करें तो ये बनता है लीवर के द्वारा। एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय द लीवर एंड इट इज ए प्रेजेंट हाईएस्ट अमाउंट इन योर ब्लड। ओके, कहने का मतलब जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स है ये लीवर के द्वारा बनाया जाता है और ये हाईएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है आपके ब्लड में। तो वही हमने लिखा हुआ है कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स फॉर्म्ड बाय लीवर एंड फाउंड इन हाईएस्ट अमाउंट इन योर ब्लड। ठीक, एंड नेक्स्ट है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन्स, जो कि लीवर के द्वारा ही बनाया जाता है एंड फाउंड इन लोवेस्ट अमाउंट। तो एल्ब्यूमिन एंड फाइब्रिनोजेन दोनों लीवर के द्वारा ही बनाया जाता है। एल्ब्यूमिन हाईएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है ब्लड में, एंड जो आपका लास्ट वाला है फाइब्रिनोजेन, ये लोवेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है इन योर ब्लड। ओके, तो आई होप फर्स्ट लेक्चर जो है आपका बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन का जो बेसिक टर्म्स है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आई विल प्रोसीड अबाउट द अदर टॉपिक इन डिटेल। ओके, तो इसका आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो एंड रिवाइज करके आना। थैंक्स ऑल ऑफ यू।